यहाँ पर क्वेश्चन है यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एक मीटर रूल बना लो वन मीटर की स्केल बना लो और बीच में नाइफ रख दो है ना प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 58 सेंटीमीटर मतलब कि ये जीरो है और ये 100 सेंटीमीटर है तो ये जो आपको नाइफ रखना है ये कहाँ पर रखना है ये 58 सेंटीमीटर के मार्क पे रखना है वेन अ वेट ऑफ ट्वेंटी जी इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड तो एक एंड से आपको यहाँ पर ट्वेंटी ग्राम uh, फोर्स जो है सस्पेंड यहाँ पर करना है तो देखो ध्यान से दैट कि अगर सपोज करो कि इसे इस फलक्रम को बीच में रखते 50 सेंटीमीटर की मार्क पे रखते अगर तो ये स्केल बैलेंस हो जाता लेकिन ये बीच में नहीं है बीच से थोड़ा सा उस तरफ है तो ज्यादा भारी किधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और कम भारी किधर होगा तो राइट हैंड साइड में है ना क्योंकि ये आपका सेंटर पे नहीं है सेंटर से ज्यादा ये ज्यादा किधर है राइट right साइड में ज्यादा है इसका ये मतलब हुआ कि आपका ज्यादा भारी इधर हो जाएगा तो इस वजह से जो ट्वेंटी ग्राम फोर्स है उसे आपको राइट हैंड साइड में रखना होगा ताकि उधर का वजन बैलेंस हो पाए तो यहाँ पर सपोज करो हमने ट्वेंटी ग्राम फोर्स को रख दिया तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा ये डायग्राम हो जाएगा वॉट इज देट ऑफ द रोल रूल की जो वेट होगी वो कहाँ लगेगी तो वो वेट जो है ना वो आपके सेंटर पे लगेगी मतलब कि 50 सेंटीमीटर के मार्क पे वो वेट लगेगी और वो वेट मान लो W है तो अगर आपका ये बैलेंस सिचुएशन है तो बैलेंस सिचुएशन में जो टॉर्क होगा ड्यू टू वेट टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू टॉर्क ड्यू टू वेट जो डब्लू है वो हो जाएगा फोर्स डब्लू अबाउट किसके अबाउट अबाउट नाइफ जो नाइफ लगा हुआ है उसके अबाउट हमने लिया है तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स हमारा W है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाइफ से कितना है तो आठ सेंटीमीटर क्योंकि ये पचास है तो आपका फिफ्टी एट जा गया है मतलब आठ सेंटीमीटर ठीक है और अगर आप लिखो टॉर्क ड्यू टू फोर्स जो राइट हैंड साइड में था टॉर्क ड्यू टू फोर्स कौन सा फोर्स ट्वेंटी ग्राम ट्वेंटी ग्राम फोर्स है ना अबाउट नाइफ अगर ले लो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर्स फोर्स ग्राम परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस तो ये जो perpendicular distance है यहाँ पर आप देखो फ्रॉम वन एंड तो एक एंड पे सस्पेंडेड है मतलब कि ये जो ट्वेंटी ग्राम फोर्स है ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है दैट कि इसको आपको एंड पे रखना है तो एंड पे रखना है मतलब कि कुछ यहाँ पर ऐसे रख देना है तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी नाइफ से ये आपकी कितनी हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी पूरा देखो ये फिफ्टी एट है या हंड्रेड है तो हंड्रेड माइनस एट ठीक है तो ये आपका आ जाएगा ट्वेंटी जी एफ इंटू फोर्टी टू सेंटीमीटर ठीक है अगर ये दोनों टॉर्क इक्वल होंगे तभी जाकर के ये बैलेंस रहेगा तो फॉर बैलेंस सिचुएशन फॉर बैलेंसड सिचुएशन अगर आप बात करो तो फॉर बैलेंस सिचुएशन डब्लू इंटू एट सेंटीमीटर मतलब की राइट लेफ्ट हैंड साइड का टॉर्क शुड भी इक्वल टू राइट हैंड साइड का टॉर्क ठीक है अब इसको कैंसल करो तो डब्लू यहाँ से आ जाएगा ट्वेंटी जी एफ इंटू फोर्टी टू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एट सेंटीमीटर ठीक है अब इसको आपको सॉल्व करना है तो अब आप इसे सॉल्व करो है ना तो कैंसल करो यहाँ पर आपका फोर इंटू फाइव फोर इंटू टू टू इंटू टू ट्वेंटी ग्राम फोर्स आपका वेट हो जाएगा ठीक है